भीड़ को डिस्पर्स करना चाहते हैं लोग, बच्चे जो है फिर भी सह रहे हैं और तस में इससे मस्त नहीं हो रहे हैं। और फायर ब्रिगेड का जो है यहाँ पे पानी का बौछार अभी बच्चों को डिस्पर्स करने में अभी तक तो काम नहीं आया है। आगे हम आपको दिखाते रहेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है और किस तरह का वक्त है। और हमको भी जो है हालत खराब हुआ है और यहाँ पर और हमें 1.5 साल बाद पता चलता है, हमें 3 सेमेस्टर्स के बाद पता चलता है हमारा एप्लीकेशन नहीं हुआ, क्योंकि 2020 में कोविड चल रहा था तो हमें ऐसा लग रहा था कि एग्जाम्स नहीं हो रहे क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रहे, ऑनलाइन वो टाइम तो प्रमोट हो रहे थे, हमारा इंटरनल्स हो रहा है, कंटिन्यू फीस लिया जा रहा है, हम क्लास में बैठते हैं, क्लास अटेंड करते हैं, लेकिन हमारा एग्जाम्स नहीं हो रहे। हमें 3rd सेमेस्टर में पता चलता है हमारा कॉलेज में एफिलिएशन ही नहीं। Students receiving such treatment from police authorities has become a norm these days, especially when the demands of the students are just and the authorities have no answer. These visuals are from Port Blair in Andaman and Nicobar. Andaman and Nicobar Islands, yes, that exotic location which every Indian has learnt about in their geography textbooks but hardly has any clue about the culture and issues of the place. There's a rising agitation of students that has been shaping up in the islands since the last 4 months as the students of Dr. B.R. Ambedkar Institution of Technology or DBRAIT have not had any exams since the last 2 years. Not just that, DBRAIT did not receive affiliation from the Pondicherry University, which is under central government's control. Thus, after months of peaceful dialogue, the students' agitation was crushed by the Nicobar police using force. Now, there are more than one reasons for the postponement of exams and DBRAIT not getting an affiliation from the Pondicherry University. The Pondicherry University denied giving DBRAIT an affiliation as it failed to adhere to the 17 norms put forward by the university. Pondicherry University gave the students assurance in respect of the affiliation with DBRAIT as the Andaman and Nicobar administration had promised to fulfill all the conditions put forth by Pondicherry University for permanent affiliation with IT Institute. But these assurances did not lead to anything fruitful for students as they still do not have a clear window on how their academic future is going to look like. Let's talk to students to understand their point of view on this thing. अगर देखा जाएगा तो MSBT का प्रॉब्लम है। MSBT जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जिसमें हमारा डिप्लोमा कोर्सेज चल रहे हैं उससे प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ और यहाँ लगभग कॉलेज खुली है 1985 से और MSBT यहाँ जुड़ा 2003 में। महाराष्ट्र बोर्ड जब आया, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन वो 1997 एक्ट के तहत बना और उसमें क्लियरली लिखा गया है कि इट एक्सटेंड टू द होल स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, मतलब वो अपने स्टेट से बाहर, अपने जुडिशियल से बाहर एफिलिएशन दे ही नहीं सकता। तो MSBT तो यहाँ आ गया, MSBT चल रहा था, किसी को आइडिया नहीं था कि वो अपने स्टेट के, वो अपने एक्ट में ये लिखता है कि अपने स्टेट के तहत वो एफिलिएशन दे नहीं सकता। तो जब 2009 में ये लाया गया तो इन्होंने क्या किया, दोनों पॉलिटेक्निक को मर्ज करके एक ही अपग्रेड कर दिया और बना दिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसमें डिप्लोमा कोर्सेस, इंजीनियरिंग कोर्सेस, डिप्लोमा नॉन इंजीनियरिंग कोर्सेस प्लस डिग्री कोर्सेस चल रहे हैं। तो डिग्री कोर्सेस चल रहे हैं तो डिग्री कोर्सेस एफिलिएशन दिया और पॉन्डिचेरी कोई भी कॉलेज को एफिलिएशन देने से पहले एज पर AICTE उनका कुछ कंडीशंस होता है, 17 नॉर्म्स एंड कंडीशंस होता है जिनको फुलफिल करना जरूरी होता है। उसमें बहुत बेसिक नीड्स है, कन्वर्सेशन ऑन थी, हमें सिर्फ ओरल एश्योरेंस मिल रहे थे, हमें हमेशा एश्योर किया जाता था कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व हो चुका है, आप चले जाइए, आप टेंशन मत लीजिए। ऐसा बोला जाता था कि जो मैटर है वो कोर्ट में जुडिशियल मैटर हो चुका है तो जुडिशियल मैटर में कोर्ट ही डिसाइड करेगा। अब मैं फाइनल ईयर में हूँ, अब बताइए मेरा जो पिछला सेम का पेपर है, जो थर्ड ईयर का जो पेपर है उसमें वो अभी 6 पेपर्स बैकलॉग है क्योंकि जस्ट बिकॉज कोर्ट की कंडीशंस थे, कोर्ट की कंडीशंस के आधार पर मैं क्यों एग्जाम लूँ। और कंडीशंस भी ऐसे है कि उसके रिजल्ट तभी आएंगे जब कोर्ट का डिसीजन आएगा, तो कोर्ट तो 2019 चल रहा है, आज 2022 है और एग्जाम्स हो भी रहे तो 2 साल से जो मेरा एग्जाम्स नहीं हुआ वो एक साथ 2 महीने में हो रहे, ना कि स्टैगर्ड मैनर में हो रहे। अभी 10 तारीख से एग्जाम्स होंगे भी तो कंडीशंस पे होंगे, प्लस जो भी एग्जाम्स है 2 महीने में होंगे, 2 महीने में मतलब 22 पेपर्स इन 2 मंथ्स, हाउ इट इज पॉसिबल। द रीजन फॉर सच अ मिसहैप कैन बी फाउंड इन द ऑडिट रिपोर्ट दैट वाज सबमिटेड अर्लियर दिस ईयर। द ऑडिट रिपोर्ट डीम्स द प्रिंसिपल ऑफ DBRAIT मिस्टर उत्पल शर्मा इनकॉम्पिटेंट ऑफ होल्डिंग द पोस्ट
as he does not fulfill the requirements for becoming a principal, thus making his appointment illegal. The reasons can also be found in the fact that despite not having the legal backing to open a college outside Maharashtra, the Maharashtra State Board of Technical Education or MSBTE provided support for DBRED since 2010. Despite the MSBTE Act stating that it cannot regulate college outside the border of Maharashtra, DBRED continued its functioning for more than 10 years. Students allege that there is a one-point reason for this fiasco, and that is Utpal Sharma. The students have no doubt in their minds when they blame Utpal Sharma and his personal problems for the delay of the exam. ऐसा हमें लगता है कि ये एक ही आदमी की वजह से, और वो है हमारा प्रिंसिपल, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन. उसमें 15 नंबर पॉइंट में लिखा भी होगा प्रिंसिपल के बारे में, जस्ट बिकॉज आवर प्रिंसिपल इज नॉट क्वालिफाइड. मैं आपको बता दूं, ये डिप्लोमा कोर्सेज का भी प्रिंसिपल हुई है और डिग्री कोर्सेज का भी प्रिंसिपल हुई है. ये कैसे हो सकता है? दो अलग अलग बॉडी के प्रिंसिपल एक कैसे हो सकते हैं? और उनका क्वालिफिकेशन है पीएचडी इन मैनेजमेंट. पीएचडी इन मैनेजमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रिंसिपल कैसे हो सकता है? एक ही पॉइंट है जो बहुत सारे पॉइंट्स को रोक है. अगर वो एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा तो एडमिशन अपने तरफ से क्लियर हो जाएगा. इवन जो वाइस चांसलर जो है हमारे पांडिचेरी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर यहाँ आए थे, एक टेबल में बैठ के मीटिंग हुआ, उनका थ्रू भी यही कहना था. इवन एडमिनिस्ट्रेशन, अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन जब हमारा कॉन्फ्रेंस हो रहा था, हमने बातचीत की, तो उन्होंने यही कहा कि प्रॉब्लम सिर्फ प्रिंसिपल है. जब आपको पता है, वाइस चांसलर बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम सिर्फ प्रिंसिपल है, तो आपको वो प्रिंसिपल के ऊपर में इंक्वायरी करने में क्या. मैं आपको बता दूं, केस रिपोर्ट, कंप्यूटर ऑडिट जनरल रिपोर्ट, वो भी ये कहता है कि इररेगुलर अपग्रेडेशन ऑफ प्रिंसिपल. आपके पास वो डॉक्यूमेंट भी होगा, आपने देखा होगा. वी ऑल्सो स्पोक विद एनएसयूआई एंड एबीवीपी, the student wings of Congress and BJP respectively. While NSUI alleges that BJP and ABVP can solve the problem, but they are shielding Utpal Sharma, while ABVP says that they are against the violent police reaction and blames the administration for it. Red का principal जो Utpal Sharma है, उसे बचाने के लिए ये पूरे administration एक हो चुका है. इसका वजह यह है कि Utpal Sharma जो है, वो अंडमान निकोबार में RSS से बुनियाद डाला था. देश का प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी से, देश का पूरा मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का है, अंडमान निकोबार लेफ्टिनेंट कमांडर बीजेपी का है, अंडमान का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन बीजेपी का है, पांडिचेरी का वाइस चांसलर बीजेपी का है, पांडिचेरी को यूनिवर्सिटी का जो चांसलर होता है वो खुद बीजेपी का है. मैं आपको ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि जो देश का वाइस प्रेसिडेंट होता है वो पांडिचेरी यूनिवर्सिटी का चांसलर होता है. आज पूरा देश में आपकी सरकार है, आज पूरा देश में आप लोग है, और आप लोग बच्चों के साथ प्रदर्शन करते हो कि बच्चों की मांग को पूरी करो. अगर आज अंडमान निकोबार भारतीय जनता पार्टी चाहेगा, अगर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चाहेगा, ये बच्चे का प्रॉब्लम एक घंटे में सॉल्व हो जाएगा. जो मिसकंसेप्शन है इसको क्लियर करना चाहूंगा कि एबीवीपी बीजेपी का विंग है. तो मैं खुद ये आपको, क्योंकि इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ में अंडमान में भी जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज है और कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, एबीवीपी के ऊपर ये आरोप लगा करके कह रहे हैं कि आपका सरकार है और आप क्यों इसको डील नहीं कर पा रहे. तो मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि एक आरटीआई, यहाँ के जो सबसे बड़े डिग्री कॉलेज है जेएनआरएम, उसके एक प्रोफेसर ने लिखा था कि एबीवीपी क्या एक पॉलिटिकल पार्टी है या पॉलिटिकल पार्टी की विंग है. तो उसका जवाब में यही आया था कि एबीवीपी एक फुली नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और इसका एक अपना रजिस्ट्रेशन नंबर है. हो सकता है, और ऐसा है भी, कि जो भारतीय जनता पार्टी है उनसे हमारा जो आइडियोलॉजिकल जो हमारी हमारा समझ है वो मिलता है. जो उस दिन जो पुलिस एक्शन हुआ वो पूरी तरीके से निंदनीय है. पुलिस चाहती तो स्टूडेंट्स को बिना इस तरीके के फोर्स, बिना वाटर कैनन, बिना जो टीयर गैस है जिसे आंसू गैस कैसे कहते हैं, बिना आंसू गैस के और बिना लाठीचार्ज के भी स्टूडेंट्स को डिस्पर्स कर सकती थी. अंडमान में टोटल पुलिस का स्ट्रेंथ 3000 तक का है, और वहां पे क्या 3000 पुलिस का जो स्ट्रेंथ है, क्या ये 3000 का पुलिस पीसफुल तरीके से 300 स्टूडेंट्स को डिस्पर्स नहीं कर सकता क्या? तो मेरा ये सीधा सीधा सवाल अंडमान निकोबार प्रशासन और पुलिस से है, क्योंकि बिना डीएम के जो पर ऑर्डर है उसके बिना तो ऐसा एक्शन हो नहीं सकता. तो मैं उनकी भी निंदा करना चाहूंगा कि आप इस इशू को डील करने को, मतलब जो तरीका है ये बिल्कुल गलत तरीका है और एबीवीपी बिल्कुल इसका समर्थन नहीं करती है.
मैं आपके बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि अंडमान निकोबार से एक लोकसभा सीट है और जिसका सांसद अंडमान निकोबार कांग्रेस पार्टी से ही है कुलदीप शर्मा जी। मुझे नहीं पता कि वो बच्चों के साथ क्यों नहीं दे रहे, बच्चों की आवाज क्यों नहीं उठा रहे इस विषय में। जहां तक मुझे नॉलेज है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है सांसद के खिलाफ में, कुलदीप शर्मा जी को कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रंगला हल्दार जी की तरफ से उन्हें शोकॉज नोटिस दिया गया है कि उनसे सवाल किया गया है कि आप बच्चे को साथ क्यों नहीं दे रहे। हमने डिसाइड किया कॉलेज में सुबह 7:30 बजे हम बैठे थे, हमने वहां से डिसाइड किया कि हम जाएंगे सेक्रेटरीट। फिर सेक्रेटरीट वहां से जब हमने रैली निकाले तो हमें रस्ते में रोका गया पुलिस के थ्रू, रस्ते में बैरिकेड लगा के हमें रोका गया। जब हमें रोका गया तो हमने ये डिसाइड किया कि हम वॉयलेंस नहीं होंगे, हम पीसफुली बैठ जाएंगे जहां हमें रोकेंगे। तो उसके बाद में हमारे ऊपर पुलिस फोर्स का यूज किया गया उठाने के लिए, हमें खींचा गया, हमें उठाया गया जबरदस्ती। एक स्टूडेंट्स को चार पुलिस कर्मचारियां उठा रहे थे, जबरदस्ती उठा के हमें डिटेन किया गया। फिर उसके बाद में जो स्टूडेंट्स बाद में डिटेन नहीं हो रहे थे उनके ऊपर में वाटर कैनन्स का यूज किया गया। आफ्टर यूजिंग वाटर कैनन्स ऑल्सो वी वर सिटिंग देयर। After that they used tear gas. उसके बाद उन्होंने tear gas का इस्तेमाल किया। They are behaving like terrorists. जैसे कि हम terrorists हैं और हमसे ऐसा behave कर रहे थे। Andaman Nicobar Islands has one Lok Sabha seat that was won by Congress. There is no other elected body. Thus, the failure of the education system in Port Blair can be called as the failure of the bureaucratic system. मगर विषय में क्यों हम अंडमान में चूक रहे हैं इसके बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि डेमोक्रेटिक कंट्री होने के बाद भी अंडमान में नौकरशाही ज्यादा प्रभावी है, यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी ज्यादा प्रभावी है। और स्टूडेंट्स के ही तरफ से मैं ये आरोप लगाना चाहूंगा अंडमान निकोबार प्रशासन की ओर से कि डॉक्टर उत्पल शर्मा जो एक इन एलिजिबल प्रिंसिपल है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के, उसे अंडमान निकोबार प्रशासन सपोर्ट कर रही है। बच्चे लोगों ने डायरेक्टर एजुकेशन से मुलाकात कर लिया, बच्चों ने सेक्रेटरी एजुकेशन से मुलाकात कर लिया, बच्चों ने चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात कर दिया। अब बच्चे को कोई भी तरफ से कोई भी एंगल से जब पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो बच्चे कहां जाएंगे। यहाँ पे स्टूडेंट यही पे पढ़ना चाहते हैं, यहाँ के जो पेरेंट्स, यहाँ और भी बहुत सारे इंटर आइलैंड है जो बहुत जुड़े हुए हैं। पोर्ट ब्लेयर तो एक सिटी है, कैपिटल है, लेकिन पोर्ट ब्लेयर के अलावा भी बहुत सारे इंटर आइलैंड है, तो वहां से बच्चे आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए। तो उनके पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं होते कि बाहर भेजेंगे पढ़ने के लिए, तो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हैं।